को कुछ शक्ति आज ज्यादा वोट का भरोसा है, ज्यादा मिल रहा है जिन लोगों को नहीं पिछली बार मिला था, वो वोट भी अब हमको मिल रहा है कुछ जो पिछली बार नहीं मिले थे वोट हमको अब के मिले हैं। जैसे हमारा यादव हर जात हर वर्ग का वोट हमको बराबर मिला, ये सत्य है, इसमें झूठ नहीं है। सब का ये नहीं कि मतलब जात वर्ग विशेष का वोट हमको मिल रहा है, हमको हर वर्ग का वोट। पिछले बार तो राहुल को भेज दिया इधर से, तो आपकी 1.5 लाख से जाएंगे, 1.5 लाख अंदाजा हमारा यही है, 1.5 लाख से। हाँ, पिछले बार कितने आए थे? अरे 75,000 था लगभग। अच्छा, 75,000 से हारे था। अच्छा, क्या है मुद्दा, क्या है इस बार? अब मुद्दा देखिए, हमारे यहाँ इतना विकास हो, यहाँ इतना बड़ा घना जंगल था, इतना घना जी तस्वीर बदल गई 15-20 नहीं 25-30 साल। अरे हम सन 71 से राजनीति कर रहे हैं, सन 71 से साल, हम सन 71 से हैं, जब ये मीन का मीसा दिया जाने लगा था, तब से भाजपा के संगठन से जुड़े हुए हैं। आप? जी हाँ, तेजभान सिंह विधायक और सारे पदाधिकारी भाजपा के जो जिला कार्यसेवा किए, कार्यसेवा तो नहीं गए थे लेकिन संगठन जुड़े थे, गए थे मतलब कुछ दूर तक यात्रा किया। अभी ये 5 साल में कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव है भाई। क्या क्या हुआ? अमेठी में, हमारे अमेठी में ये कृषि उप निदेशक यहाँ बैठते हैं, किसान सम्मान निधि का काम होता है। अच्छा, कृषि के तमाम कार्य किसानों के लिए होते हैं। अच्छा, केंद्रीय विद्यालय यहाँ बन गया है। अच्छा है? और रेलवे का डबल ट्रैक हो गया है, स्टेशन सब हाई फाई बन गए, मतलब VIP। हाँ, सब काम बहुत अच्छा काम हुआ, काम कोई अब तो आप गांव भ्रमण कर लीजिए, कोई आपको गांव में थोड़ी तकलीफ है, हमारे गांव चलिए, गांव में जाके देख लीजिए कितना काम हुआ हमारे गांव में, क्यों लाभ कहीं कीचड़ आपको नहीं लगेगा, अंधेरे लाइट पाइप लेटरिन बाथरूम शौचालय घर घर में तमाम शौचालय सरकारी शौचालय बना है, चाहे अपने यहाँ यूज कीजिए चाहे सरकारी में जाइए आप, दोनों तरह विकल्प है हमारे, कोई आयोजन होता है बड़ा तो उसमें भी शौचालय का लोग प्रयोग कर सकते हैं। काम हुआ, काम कोई गड़बड़ी नहीं हुई, राशन मिल ही रहा है लेकिन सम्मान निधि मिल ही रही है। कांग्रेस तो बता रहे कि वो बेरोजगार है, सब बोल रहे ना उन्हें वो लोग, कांग्रेस के अब नेता है उनको क्या कहे, वो भाई उनकी बोलने की आदत है, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी को चिढ़ाता है मुंह बना करके, कोई लटा रट कहता है, कोई खटा कर कहता है, एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार आदमी ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करता है, पढ़ा लिखा भाषा बोलिए जो आपको राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे जाना है, देश के सर्वोच्च नेता है आप, बाहुबली परिवार से ताल्लुक रखते हैं, नेहरू खानदान से, संजय गांधी थे, राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, वो लोग तो ऐसी भाषा कभी नहीं बोले जो राहुल आज बोल रहे हैं, एक प्रधानमंत्री को तुम तकरा करके चढ़ा रहे हो, तुम कैसे कुर्सी संभालोगे आखिर, ऐसे पाकिस्तान में जाके बोलोगे, ऐसे विदेश में आप जाके बोलेंगे, यही सब जनता से देख रहे हैं, इधर ही चलता है ना सब बोलते सब। जी हाँ, अरे वही राशन पा रहे 6,000 साल में अलग से पा रहे, कौन दिया, किसी ने दिया 70-80 साल में, क्यों नहीं दिया ये लोगों ने, आखिर इनको भी तो देना चाहिए था कि भारत की तस्वीर बदल जाए, गांव की गरीबी दूर हो जाए, अभी तक नहीं किया ना, क्यों नहीं किए, इसी रोड से आते जाते थे भारत जोड़ रहे हो, गांव नहीं जोड़ते हो कि गांव को जोड़ो, भारत जोड़ रहे हो, गांव जोड़ो ना, गरीबों को जोड़ो, गरीबी झोपड़ी तक झांक के देखो, आप क्यों नहीं जानते हैं आखिर कि भारत के लोग कैसे रहते हैं, हमारे गांव के लोग कैसे रहते हैं, संसदीय क्षेत्र के हमारे लोग कैसे रहते हैं, कभी गांव में किसी का नहीं, एक आदमी का नाम नहीं बता सकते हैं, ये सांसद का मतलब है कि अपने गांव के लोगों का। लेकिन स्मृति जी इधर आ गए, स्मृति ईरानी बार आ गए ना, बहुत बार, मतलब गिनती नहीं है कुछ, अच्छा गिनती नहीं है, लगातार है, घर बन गया है, साल में 5 साल में साल भर तो रहेंगे, उनका कोई प्रतिनिधि रहेगा, कुछ ना कुछ उनका रहेगा जुड़ाव ना लोगों का, भाई आप दौरे पे हैं बाहर गए हैं तो उनका कोई प्रश्न रहे तो रिपोर्ट देगा कि हाँ आपका घर परिवार आपका क्षेत्र कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, गलत कर रहे हैं, जो घर बन गया तो रहेगा ही रहेगा, आदमी रहेगा ही रहेगा, इतना पैसा लगा के घर बनवाया है तो जोड़ने के लिए तो बनवाया है, आदमी कैसे जुड़ेगा, तो लोग तो जोड़ के काम करना चाहते हैं, ये लोग केवल बरगला के काम करना चाहते हैं कि समाज को बांट दो, और कहते हैं गरीबी की बात करते हैं। मोदी और राहुल बाबा में क्या अंतर दिख रहे हैं आपको? अरे मोदी के जोड़ नहीं है राहुल जी, मोदी का जोड़ी नहीं, जोड़ी नहीं है, क्या कहे उनके, अच्छी हाँ बिल्कुल नहीं, आमने सामने बैठ के मोदी के सामने बात कर ले, नहीं मोदी का कोई कार्यकर्ता हो पार्टी का पदाधिकारी हो उससे बात कर ले, आमने सामने बैठ के बहस कर ले,
मोदी का जोड़ नहीं इस समय कोई संसार में। हम भी देख रहे हैं अब किसी को भाई चश्मा लगा नहीं दिखाई देता तो इसमें हम क्या कर सकते। चश्मा लगा के हुए। अरे यहाँ जैसे लोग आंखों में लगाते हैं कुछ लोग यहाँ बालों में चश्मा लगाते हैं तो कहाँ देखेंगे आंखें। देखो आजकल प्रथा चली हुई है यहाँ चश्मा लगा के चलते दाढ़ी वाढ़ी रख के। अरे मोदी की तरह तुम भी बनो उसकी भाषा बोलो मोदी के क्या कल्चर है हैं क्या विचार हैं क्या उनकी सोच है क्या उनकी मानसिकता है तो अच्छा लगता है। दाढ़ी सब अतीक अहमद बन जा रहे हैं दाढ़ी रखा रखा करते करते घूम रहे कहते बेरोजगारी है काम करो पार्ट टाइम कोई भी जॉब करो आप और किसी को कोचिंग भी एक कक्षा के लड़के को कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हो कहते हो बेरोजगारी है काम करो ना तो कहीं करो प्राइवेट जॉब करो कहीं जाके 20-25 हज़ार की नौकरी रखी है दिल्ली बम्बई गुजरात मद्रास कहीं भी जाइए आप गलत कह रहे हैं।